अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर सरहद एजुकेशन सिस्टम स्कूल एंड कॉलेज की तरफ से रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये ही आप लोग के पास जर्नल मैथमेटिक्स बुक्स क्लास 9th के लिए और ये आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमने यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया था और यूनिट नंबर 1 है आप लोगों के पास परसेंटेज, रेशो एंड प्रोपोर्शन। इसमें हमने प्रीवियस वीडियोज़ में एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 डिस्कस किया था और उसमें हमने परसेंटेज के बारे में डिटेल से पढ़ा था। अब एक्सरसाइज 1.3 की तरफ हम बढ़ेंगे और आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करना है। 1.3 में क्या है, सिर्फ हम एक नज़र इस पर दौड़ाए तो आप लोगों के पास एक्सरसाइज 1.3 में जितनी भी क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहे हैं पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9 पर, इसको हम डेली लाइफ क्वेश्चन या वर्ड्स प्रॉब्लम कहते हैं। यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे पास इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं जिसको हम सिर्फ मैथमेटिकल तरीके से सॉल्व करते, तो इसको वर्ड्स प्रॉब्लम या डेली लाइफ प्रॉब्लम कहते हैं। इसके हमारे पास जब भी सोल्यूशन होते हैं तो इसके हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1, पहले हमने इस क्वेश्चन में देखना है कि हमें गिवन क्या है, फिर इसमें हमने देखना है कि रिक्वायर्ड क्या है, हमसे मांगा क्या है, और उसके बाद हम उसकी सोल्यूशन और रिज़ल्ट की तरफ बढ़ते। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन 1 में हमसे क्या मांगा है और हम किस तरह इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आप लोग अगर इस क्वेश्चन को रीड आउट कर ले तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि किस किस्म की क्वेश्चन है जो हमने इससे पहले एक्सरसाइज में 1.1 और 1.2 में भी किया है। क्वेश्चन 1 में आप लोग को बताया है, अ फैक्ट्री वर्कर इज़ गिवन 15% इंक्रीज इन हिज सैलरी। एक फैक्ट्री है जो वर्कर को 15% इंक्रीज करते हैं उसकी सैलरी। इफ ही वॉज गेटिंग 9,600 पर मंथ, अगर उनको एक महीने में 9,600 रुपये मिलते हैं तनख्वाह में, तो हाउ मच विल ही गेट आफ्टर द इंक्रीज। तो अगर 15% उसकी इंक्रीमेंट लग जाए तो उसके बाद उसकी सैलरी क्या होगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते और देखते हैं। तो ये आप लोग के पास रोज़मर्रा की हालात में भी, अगर आप लोग को कोई भी कहे कि स्टूडेंट 15% अगर किसी चीज़ पर ऑफ लगाए या 15% उसकी कीमत बढ़ गए तो बताए उसका नया कीमत क्या होगा, जो कि रोज़मर्रा आप लोगों की ज़िंदगी में आते जाते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते और देखते हैं कि आप लोगों के पास ये किस तरह सॉल्व होता है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, तो हमने पढ़ा कि फैक्ट्री का एक वर्कर है जो 15% उसकी अगर तनख्वाह इंक्रीज़ हो जाता है और उसकी तनख्वाह हर महीना 9,600 हो, तो बताए कि इंक्रीमेंट लगने के बाद उसकी तनख्वाह क्या हो जाएगी, कितनी ज़्यादा हो जाएगी। तो देखिए, गिवन में हमारे पास उसके पास क्या है, मंथली सैलरी ये हमें पहले से दिया है, परसेंटेज भी दिया है 15%। तो हमने क्या करना है, टोटल इंक्रीमेंट फाइंड करना है। तो टोटल इंक्रीज जो है वो क्या होगी, टोटल सैलरी मल्टीप्लाई बाय इंक्रीज रेट, कितना इंक्रीज होता है। तो हमारे पास जो सैलरी है उनको उसके साथ मल्टीप्लाई करें, ऑटोमेटिकली आप लोगों के पास सैलरी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर मालूम होना चाहिए कि परसेंट का मतलब होता है 100 में से, तो ये 15 जो है वो 100 में से, तो परसेंट की जगह पर हम 100 लगा देंगे। अब आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए स्टूडेंट कि ये दो ज़ीरो इन दो ज़ीरो के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा, 96 मल्टीप्लाई बाय 15। अब 96 मल्टीप्लाई बाय 15 जब आप लोग कर लें तो आप लोग के पास 1440। यानी अगर 15% आप लोग इंक्रीमेंट लगाते हो तो उनकी सैलरी जो है वो एक महीने में 1440 रुपये ज़्यादा हो जाए। अब इसको इस ओरिजिनल के साथ आप लोग सिर्फ ऐड कर ले, टोटल सैलरी आफ्टर इंक्रीज 9600 प्लस 1440, 9600 प्लस 1440। अब इनको अगर आप लोग प्लस कर ले तो आप लोग के पास जो ओरिजिनल सैलरी बनेगी वो है 11040। तो इंक्रीमेंट के बाद जो उनका महाना सैलरी है वो है आप लोग के पास 11040 रुपये। तो ये आप लोग के पास रोज़मर्रा की जो हालात है उसी के मुताबिक आप लोगों के पास यही क्वेश्चन है। अब अगर आप लोग दूसरा क्वेश्चन देखें, नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ऑर्गेनाइजेशन इज़ 960, आउट ऑफ दीज 85% आर ग्रेजुएट। एक इदारा है जिसमें आप लोग के पास 960 टोटल जो है वो एम्प्लॉय है, काम करने वाले मुलाज़मीन है, अगर उनमें से 85% यानी 85% ग्रेजुएट हो यानी तालीम याफ्ता हो, तो फाइंड द नंबर ऑफ नॉन ग्रेजुएट, तो बताएं इनमें जो नॉन ग्रेजुएट है जो अनपढ़ हैं वो कितने होंगे। तो
यहाँ पर अगर 85% इसमें है तो 15% रह जाएगा, लेकिन इस तरह नहीं है, हमने इन पे 85% से ही निकालना है। तो सबसे पहले जो हमें दिया है वो क्या है, टोटल एम्प्लॉय 960, परसेंटेज ऑफ ग्रेजुएट 85, सो फाइंड द टोटल ग्रेजुएट परसेंटेज। सबसे पहले हमने टोटल एम्प्लॉय मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज, तो टोटल एम्प्लॉय 85 है, पहले बताया कि परसेंट का मतलब होता है 100, तो इसको आप लोग डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 980 960, 00 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, 00 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और आप लोग इसको क्या कर सकते हो, 5 की टेबल से 5 2s are 10 और 5 ये 5 1s are 5, यहाँ से 3 कैरी 5 7s are 35, फिर 2 1s are 2 और 2 4s are 8, 1 कैरी हो जाएगा 2 8s are 16। अब आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, सिंपल ये करना है कि 17 मल्टीप्लाई बाय 48, इससे आप लोग के पास 816 आएगा। 816 जब आप लोग के पास आए तो मतलब ये है कि टोटल जो एम्प्लॉयज़ हैं 960 में से वो हैं 816 ये ग्रेजुएट है। अब इस ग्रेजुएट को इससे माइनस करें, आप लोगों के पास रिमेनिंग 144 आ रहा है जो कि नॉन ग्रेजुएट है। तो नॉन ग्रेजुएट ओरिजिनल में से जो ग्रेजुएट आया उसको माइनस करें, आप लोगों के पास ये ओरिजिनल जो आंसर आया ये नॉन ग्रेजुएट है। तो आप लोग परसेंटेज के हवाले से इस तरह सॉल्व कर सकते हो। अब अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाए तो वो बिल्कुल क्वेश्चन 1 की तरह है, वो आप लोगों का होमवर्क है बच्चों, आप लोग इसको खुद सॉल्व करें। इस तरह आप लोगों के पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। तो 3 और 4 आप लोगों का होमवर्क है, तो आप लोग इसको खुद सॉल्व करें। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोगों के पास, पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 5400, इफ 31% ऑफ पॉपुलेटेड आर वुमेन। अगर हमारे पास एक गांव है जिसमें टोटल हमारे पास जो पॉपुलेशन है, आबादी है, वो है 5400, उनमें 31% 31% जो है वो वुमेन है, 33% वो मेन है यानी मर्द हैं, एंड रेस्ट आर चिल्ड्रन, और बाकी उसमें चिल्ड्रन है यानी बच्चे। फाइंड द नंबर ऑफ वुमेन मेन एंड चिल्ड्रन। आप लोगों ने इसमें से तमाम में से आप लोगों ने जो औरतें हैं, जो मर्द हैं और जो बच्चे हैं वो आप लोगों ने फाइंड करने। तो चलिए स्टूडेंट सॉल्यूशन की तरफ, टोटल पॉपुलेशन जो गिवन है वो हमारे पास है 5400, नंबर ऑफ मेन वुमेन, नंबर ऑफ वुमेन जो है वो 31% है। तो 31% है, परसेंट का मतलब होता है 100, तो आउट ऑफ 100, तो ये 20 इनके साथ कैंसिल हो जाएगा, आप लोगों के पास क्या रह जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो आप लोगों के पास रह जाएगा 54 मल्टीप्लाई बाय 31। तो टोटल औरतें इसमें हैं 1674 यानी 1674, ये आप लोग के पास वोमेन है। नंबर ऑफ मेन कितने हैं, 33%, तो 33% आउट ऑफ 100, 33 यानी ये 20 इन 20 के साथ कैंसिल, 54 मल्टीप्लाई बाय 33 इज इक्वल टू 1782, ये आप लोगों के पास मर्द आ जाएंगे। देखिए अब इन दोनों को प्लस करें, जो मर्द और औरतों की तादाद हमारे पास यहाँ पर फाइंड हो गई, यानी 1674 को ऐड कर ले से 1782 के साथ, 1674 को प्लस कर ले 1782 के साथ, तो जो आपके पास आंसर आ जाए, द टोटल नंबर ऑफ मेन एंड वोमेन इन दोनों को जब हमने प्लस किया, इससे हमारे पास 3456 आते हैं। इसको आप लोग ओरिजिनल नंबर से माइनस करें तो रिमेनिंग चिल्ड्रन रह जाएगा, ओरिजिनल नंबर है 5400, तो इससे इसको माइनस करें, द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन 5400 - 3456 = 1944, ये आप लोग के पास क्या रह जाएगा, चिल्ड्रन। तो इससे आप लोग को अंदाज़ा हो गया कि वुमेन की तादाद है 1674, मेन की तादाद है 1782 और चिल्ड्रन की तादाद है 1944। इस तरह ये सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप लोग देख ले तो आप लोग को बताया जा रहा है, मरियम रिड्यूस हर वेट, मरियम जो है वो अपना वेट रिड्यूस कर रहे हैं बाई 6.25%, इफ हर प्रेजेंट वेट इज 45 kg, व्हाट वाज हर एक्चुअल वेट। आप लोगों के पास एक क्वेश्चन है कि मरियम जो है वो 6.25 वेट रिड्यूस कर रहा है, ओरिजिनल जो वेट है वो आप लोग के पास 45 किलोग्राम है, जो
इसके बाद जो उसका ओरिजिनल वेट आ रहा है तो बताए कि वो कितना होगा, तो वो हमने फाइंड करने। परसेंट वेट ऑफ 45 केजी, यानी प्रेजेंट वेट ऑफ मरियम इज़ 45 केजी, और परसेंट डिक्रीज इन वेट, उन्होंने डिक्रीज़ किया, रिड्यूस किया, कम किया, वो 6.25। तो इफ़ द प्रेजेंट वेट इज इक्वल टू 6.25 माइनस 100, यानी ये उन्होंने 100 में से, तो आप लोग के पास कितना आ जाएगा, 93.75। देन प्रेजेंट वेट आप लोग के पास अब 93.75, तो एक्चुअल वेट आप लोग के पास क्या आ जाएगा, वो 100 में से 45 केजी है। तो आप लोगों ने ये सिंपली क्या करना है, ये आप लोगों ने अब ये वेट फाइंड करना है। तो हम प्रेजेंट वेट और एक्चुअल वेट, प्रेजेंट वेट ये है, एक्चुअल ये है, उनमें आपने फाइंड करना है। अब प्रेजेंट वेट में उसका परसेंट फाइंड करना है, तो वो कितने में से, 45 में से, तो हमने क्या करना है, इसको इस तरीके कार से हमने फाइंड करना है। तो ये आप लोग के पास 45, ये आप लोग के पास इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आप लोग के पास आंसर कुछ यूँ आ जाएगा के सॉरी आप लोग के पास बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये इसके साथ, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये इसके साथ और ये इसके साथ, सॉरी, तो ये आप लोग के पास 45 डिवाइडेड बाय 93.75 इज इक्वल टू एक्स बाय 100। अब आप लोग के पास ये आंसर तो आ गया, अब ये आप लोग कैसे सॉल्व करोगे कि आप लोगों ने इनको भी क्रॉस मल्टीप्लाई, या आप लोग इसको बाय क्रॉस कैंसलेशन भी कर सकते हो। क्रॉस कैंसलेशन आप लोग के पास किस तरह होगा कि आप लोग ये देखिए, ये और ये आप लोग के पास 5 की टेबल से कैंसल आउट हो सकता है, तो आप लोग इसको कैंसल आउट कर ले, या उसकी आप लोग इक्वेशन बनाए, यानी ये इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले। सिंपल आप लोग उसके मल्टीप्लाई करें तो x इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाय 93.75 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इन दोनों को आप लोग मल्टीप्लाई कर लें यहाँ पर और डिवाइड कर ले बाय 93. अब यहाँ पर आप लोग ये पॉइंट नोट कर ले कि 93.75, इससे अगर आप इस पॉइंट को ख़त्म करना चाहते हो अपनी आसानी के लिए, तो जहाँ पर पॉइंट है वहाँ 1 लगाए, बाकी तमाम डिजिट्स के नीचे 0, तो ये आप लोग के पास 93.75 डिवाइडेड बाय 100 रह जाए, इसलिए यहाँ पर जो 100 रहता है वो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आ गया। अब ये तीनों नंबर आप लोग मल्टीप्लाई कर ले, तीनों नंबर मल्टीप्लाई कर ले और बाय कैलकुलेटर इसको इस पर डिवाइड कर ले, तो आप लोग के पास 48 केजी आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट, पहले उसका ओरिजिनल वेट था 45 किलोग्राम, जब उन्होंने रिड्यूस किया तो उसका एक्चुअल वेट जो है वो 84 किलोग्राम था, तो एक्चुअल वेट ऑफ मरियम इज़ 84 किलोग्राम, यानी उन्होंने टोटल 3 किलो वज़न अपना कम किया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोग खुद कर लें। इसी तरह आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 8 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोगों के पास क्वेश्चन 8 बिल्कुल सेम एज इट उसकी तरह है, क्वेश्चन 9 सेम एज इट इज़ बिल्कुल उसी की तरह है, तो 7, 8, 9 आप लोगों का होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखिए, ऑन अ रेनी डे, एक बारिश के दिन में, एक दिन में यानी बारिश हो रही है, 5% ऑफ अ स्टूडेंट कुड नॉट कम टू स्कूल इफ़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल इज़ 1360, हाउ मेनी स्टूडेंट वर प्रेजेंट ऑन दैट डे। एक दिन में जो है 5% स्टूडेंट जो है वो नहीं आते और टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 1360, तो बताए उस दिन कितने एब्सेंट है। तो सिंपल बात है, टोटल हमारे पास है 1360, यानी 1360 प्रेजेंट ऑफ द एब्सेंट स्टूडेंट ऑन रेनी डे 5%, उस दिन पर 5% बच्चे एब्सेंट होते, तो 5% का मतलब है 100 में से ये, तो इसमें से इसको निकाले, तो ये जो है आप लोग 5 की टेबल से भी कर सकते हो, और ये आप लोग ये दोनों मल्टीप्लाई कर ले और 100 पे डिवाइड कर ले, आप लोग के पास आंसर आ जाएगा 68 स्टूडेंट उस दिन एब्सेंट है, तो 68 हमें नहीं चाहिए, इसमें से इसको माइनस करें, स्टूडेंट एब्सेंट ऑन रेनी डे 1360 माइनस 68, इसमें से इसको माइनस करें, आप लोगों के पास आ जाएगा 1292, यानी टोटल जो स्टूडेंट्स आए हैं
प्रेजेंट वो हैं 1292 और जो एब्सेंट स्टूडेंट है वो है 68। इस तरह स्टूडेंट बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन क्वेश्चन 11 ये सेम क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 की तरह है, तो आप लोग इसको खुद ट्राई करें। डियर स्टूडेंट्स, इसके रिमेनिंग क्वेश्चन बिल्कुल सेम एज इट इज़, यही तरीके कार पर है, आप लोग खुद इस पर प्रैक्टिस कर ले। स्टूडेंट्स फिर भी इसमें कोई इशू हो, किसी क्वेश्चन में आप लोग को मसला हो या उसके सोल्यूशन में आप लोग को प्रॉब्लम नज़र आ रहे हैं, तो आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में उस क्वेश्चन को शेयर करें, उसकी सोल्यूशन आप लोग को दोबारा भी मिल जाएगा। लास्ट में तमाम वालिदैन से ये गुजारिश है कि इस एक्सरसाइज को बार बार अपने बच्चों पे प्रैक्टिस करवाएं और इसके साथ उसकी एग्ज़ाम्पल की भी आप लोग प्रैक्टिस करें, ताकि ये आप लोग को और भी ईजी हो जाए, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस मैथ इज़ नथिंग, क्योंकि प्रैक्टिस के अलावा मैथ्स आप लोग कर ही नहीं सकते। इसलिए आप लोग इनकी जो एग्ज़ाम्पल्स हैं इसको भी आप लोग बार बार प्रैक्टिस इस पर करें, ताकि आप लोग को ये और ईजी हो जाए। इसके अलावा अगर आप लोग को कोई मसला हो, कोई डिफ़िकल्टी हो, तो आप लोग अपने कंसर्न व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हो, इंशाल्लाह उसका आंसर आप लोग को मिल जाएगा। लास्ट में तमाम बच्चे जिनको ये नोट्स मिले हैं, जो आप लोगों को स्कूल से इस तमाम चैप्टर के नोट हार्ड फॉर्म में भी मिल जाएंगे, उसको आप लोग अपने नीट कॉपियों में भी फिर लिख लें। जो नोट्स आप लोग को मिल जाए वो तमाम आप लोगों ने अपने नीट कॉपियों में नीट फॉर्म में लिखना है। थैंक यू सो मच।